प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में स्थित 84 महादेव सप्त सागर व 9 नारायणों के दर्शन व पूजन के महत्व कई धर्म ग्रंथों में भी हैं। ऐसा कहते हैं कि अलग अलग व्याधियों का नाश करने वाले 84 महादेव के दर्शन के बाद मानव जीवन की सारी परेशानी और कलेश मिट जाते हैं, लेकिन इन सभी की क्रमानुसार यात्रा होना चाहिए। इसी तरह की एक यात्रा का आयोजन शहर से होने जा रही है। यदि आप भी इस यात्रा में भागीदार बनना चाहते हैं तो आपको महज अपनी बाइक लेकर यात्रा पर निकलना है। यात्रा के दौरान रहने खाने की सारी व्यवस्था आयोजन समिति द्वारा की जाएगी। इस यात्रा की शुरुआत 1 अगस्त से होगी। इसमें शामिल होने वालों को 1 अगस्त को सुबह 7 बजे उज्जैन में माता हरसिद्धि मंदिर के पीछे पहुँचना होगा। यहीं पहले महादेव से इस यात्रा का शुभारम्भ होगा। भाजपा नेता डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान के नेतृत्व में बीते कई सालों से इस यात्रा का दौर चला आ रहा है। इस बार यह यात्रा 1 व 2 अगस्त की रहेगी। 2 दिनों में 84 महादेव सहित 9 नारायण व सप्त सागर के दर्शन पूजन का क्रम रहेगा। यात्रा के दौरान रुकने व भोजन की चाय नाश्ते की व्यवस्था आयोजन समिति द्वारा की जाएगी। नागदा नगर के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से बहनों से हमारा विनम्र निवेदन है, आगामी 1 अगस्त और 2 अगस्त को नागदा से 84 महादेव यात्रा के लिए एक समिति के माध्यम से दर्शन के लिए प्रस्थान किया जाने वाला है, जिसमें व्यक्ति अपनी स्वयं की बाइक के साथ, स्वयं के ईंधन के साथ, अपनी व्यवस्था के साथ उस यात्रा में आकर शामिल हो सकते हैं। 2 दिन का कार्यक्रम है, 1 तारीख और 2 तारीख को। 2 दिन में उज्जैन में महाकाल वन में विराजमान सभी 84 स्थानों पर महादेव विराजित है। उन 84 ही महादेव का पूजन, दर्शन और साथ में सप्त सरोवर दर्शन पूजन और 9 नारायण के दर्शन पूजन का भी लाभ उस यात्रा में मिलने वाला है। मैं नागदा के धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ, जो लोग भी श्रावण मास में 84 महादेव का दर्शन लाभ लेना चाहते हैं, वो अपनी बाइक अपने ईंधन के साथ 1 तारीख को सुबह 6 बजे नागदा से प्रस्थान करके 7 बजे तक 84 महादेव की जहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है, अगस्त्येश्वर महादेव मंदिर हरसिद्धि मंदिर के पीछे संतोषी माता परिसर पर अगस्त्येश्वर महादेव मंदिर है, वहीं से पूजन अर्चन के बाद यात्रा प्रारंभ होती है, तो वहाँ पर पहुँचने का कष्ट करें। समिति के द्वारा ठहरने की, भोजन की, चाय की, नाश्ते की इत्यादि की व्यवस्था रहने वाली है। बाइक और ईंधन अपना स्वयं का रहना है। पूजन के लिए अपना एक छोटा कलश पात्र जल चढ़ाने के लिए और केवल बेलपत्र, इतना ही बेलपत्र चढ़ाकर शिव जी को जल चढ़ाकर पूजन करें, क्योंकि 84 स्थान पर जाना और यदि लंबे समय तक पूजन करेंगे तो फिर 2 दिन में यात्रा संभव नहीं हो पाती, कई ज़्यादा समय लगने वाला है। इसलिए जो भी धर्मालु चलें साथ में केवल बेलपत्र और अपना जल का पात्र ही लेकर चलें, यही निवेदन है। अधिक से अधिक अपने इष्टों के साथ पधारे, अगर सब पत्नी पधारे तो और भी धन लाभ ज़्यादा प्राप्त होने वाला है, तो अपनी सुविधा के अनुसार यात्रा करना चाहते हैं, साथ में चलेंगे।